फ्रेंड्स, मैं हूँ आना फारूक, टेस्ट एंड टेल्स इंटरनेशनल लाइफ से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी एक मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पीटर ब्रेड सैंडविचेस। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी को शेयर करती हूँ और मज़े मज़े की रेसिपी मिलकर बनाती हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं चिकन मैरिनेट करूँगी, तो उसका हम बैटर रेडी करते हैं। मैं ये योगर्ट ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप के करीब दूध। उसके बाद मेरे पास छोटे लेमन है, तो मैंने 3 लेमन लिए हैं। मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास मतलब नॉर्मल साइज़ का लेमन हो तो आप लोग 1 लेमन ले सकते हैं। इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक और फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये मेरे पास 1/2 किलो के करीब मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ली है। मैंने ये क्यूबिक शेप में काट ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे छोटी छोटी चिकन को क्यूबिक शेप में काट सकते हैं। अब मैं ये चिकन इसमें मैरिनेट कर देंगे। हम इसमें चिकन कम से कम इसको मैं रखूँगी 30 से 4 घंटे के, ताकि ये बहुत अच्छा सा इसमें मतलब मैरिनेट हो जाए चिकन। और यकीन जानिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सारी रेसिपीज़ को ख़ुद पहले ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। वो मतलब ये मेरी ऑथेंटिक रेसिपी है, मैंने ट्राई की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे न्यू व्लॉग्स आप लोगों को मिल सके। अब मैंने ये मैरिनेट कर दी है और उसके बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। फिर हम बाकी जो हमारा प्रोसेस है चिकन पीटर ब्रेड का वो करेंगे। चिकन जो है हमारी रेडी, मतलब मैरिनेट मैंने कर दी, करने के लिए रख दी है 3 से 4 घंटे के लिए। और अब हम जो हमारी चिकन के लिए बनेगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स पाउडर, हम वो बनाते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब चिकन को हम ना कोट करेंगे पाउडर में, तो वो सारे जो मसाले हैं ड्राई वो अब हम मिक्सअप करते हैं और फिर चिकन उसमें हम फ्राई करते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लोर में ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी कॉर्न स्टार्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, 1 कुटा हुआ धनिया 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी, वन टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मेरे पास ये सफ़ेद मिर्च है वाइट पेपर, वो मैं इसमें डालूँगी, 1 टेबल स्पून ऑरिगैनो भर के 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी। आप लोग ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें।
कोई मसला नहीं है। और हाफ टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया है तो हमने ज़्यादा नहीं, हाफ हाफ ही लेना है, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो गया मतलब तो फिर वो मज़ा नहीं आना। अब इन सब जो हमने ड्राई पाउडर लिया है उसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारे मसालों को, और 4 घंटे बाद जब हमारी चिकन अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी बहुत अच्छी सी, उसके बाद हम चिकन को इसमें कोट करके और फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है क्रिस्पी चिकन पीटर ब्रेड सैंडविच की। तो 4 घंटे बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और फिर हम मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी पीटर सैंडविच। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारी चिकन मैरिनेशन को 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और एक बात मेरी ना आप लोगों को बता दूँ, मुझसे मिस हो गया था, मुझसे ना एक मसाला मिस हो गया था। ये जो हमने ड्राई इसका मिक्सचर रेडी किया है चिकन का, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर भी डालूँगी। ये मतलब मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो मुझे याद आया। तो आप लोग भी मतलब इसमें गार्लिक पाउडर भी 1 टेबल स्पून मिक्स कीजिएगा। अब ये जो मैंने ड्राई मिक्सचर इसका बनाया है, इसमें मैं एक चिकन का पीस लूँगी और इसको हम अच्छा सा पूरा इसमें मिक्सअप करेंगे। ऐसे हम इसमें रखते जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए जी, हमारे जो चिकन है वो देखिए, हमने जो हमने ड्राई मिक्सचर बनाया था उसमें कोट कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, अब मैं चिकन को डालना शुरू करती हूँ, और धीमी आंच पे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, फिर तेज़ आंच पे, ताकि इस पे जो चिकन जो है हमारी वो क्रिस्पी सी हो जाए। मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। पीटा ब्रेड सैंडविच क्रिस्पी बहुत यम बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। देख सकते हैं कितनी मज़े मज़े की इसकी शक्ल आ रही है। अभी हम जो चिकन है हमारी गल जाए इसलिए हम 5 से 10 मिनट ना इसको धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे, ताकि अंदर से अच्छी सी पूरी चिकन हमारी हो जाए, कुक हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि उसमें जो हमारा क्रिस्पी बने वो बहुत मज़ेदार सा आ जाए। हमारी चिकन फ्राई हो रही है, हम लोग अपने सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास है, मैंने लिया है चीज़ सॉस है। उसके बाद ये एक बाउल में मैं 1 टेबल स्पून मैं इसमें मायोनीज लूँगी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें केचप डालूँगी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे गार्लिक सॉस मैंने लिया है, ये मेरा होममेड गार्लिक सॉस मैंने बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमारा जो पीटा ब्रेड सैंडविच का सॉस है वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे कितनी मज़ेदार सी शक्ल आ रही है। अब मैंने जो है ना फ्लेम तेज़ कर दिया, ताकि जो चिकन है वो मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे कुक किया है, अपने फ्लेम तेज़ कर दिया। यहाँ पे जो है हमारी चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई है, आप लोग देख सकते हैं इसकी शक्ल। अब मैं इसको निकालूंगी,
ये हमारे पास पीटा ब्रेड है, मैंने लिए ये बड़ा, मतलब अब मैं इसको कट करके इसको थोड़ा थोड़ा हम सेक लेंगे पैन में, उसके बाद फिर हम इसमें फिलिंग करते हैं जो हमने चिकन बनाई है उसकी। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन पे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और अब हम जो हमारे पीटा ब्रेड है इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा सेक लूँगी ताकि ये फ्रेश हो जाए, गरम गरम सी हो जाए, क्योंकि ये मतलब होममेड नहीं है, मैं बाहर से लाई थी तो इसलिए। चलिए जी, हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, और अब मैं जो हमारी चिकन फिलिंग मैंने बनाई थी वो हम अपने सैंडविचेस में लगाएंगे। पहले मैं ये जो मैंने मायोनीज और केचप का सॉस बनाया था ये अच्छा सा इसमें लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने, मेरे पास जो है सलाद पत्ता है वो मैं इसमें लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सलाद पत्ता लगा दिया है, और ये जो मैंने क्रिस्पी चिकन फ्राई की थी ये मैं इसमें डालूंगी। अब लोग देख सकते हैं बहुत बहुत मज़ेदार सी, यम यम सी इसकी शक्ल आ रही है आप लोगों के सामने है। देखिए इसमें ऐसे रखेंगे फिलिंग चिकन की, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है गार्लिक सॉस है वो मैं इसमें डाल दूंगी, ये चीज़ सॉस मैंने बनाया था ये मैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी की शक्ल आई है। अगेन मैं फिर से सॉस लगाऊंगी हमारे रैप्स पीटर ब्रेड जो है उसमें, उसके बाद हम इसमें, ये हमारे पास सलाद पत्ता है तो हम इसमें लगाएंगे, और फिर ये जो हमारी फिलिंग हमने बनाई है चिकन की क्रिस्पी वो हम इसमें देखेंगे, मज़ेदार सी इसकी शक्ल आ रही है आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने गार्लिक सॉस इसमें थोड़ा थोड़ा डाला, ये मेरे पास चीज़ सॉस है वो मैं ऊपर डाल रही हूँ, सकते हैं। और ये जो मैंने सॉस बनाया था वो मैंने, चलिए जी आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमारे पीटा ब्रेड चिकन क्रिस्पी सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। इसकी शक्ल देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी शक्ल आ रही है, ये देखिए एक हमारा सैंडविच। तो मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीलॉग आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार थी, बहुत ईजी थी रेसिपी। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।